नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट सी 16 पर। मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा। और एचपी ने लॉन्च करे हैं बड़े सारे नए नए लैपटॉप्स, जिसमें कि ओवन का नया लैपटॉप है, यहां तो विक्टस 16 है नया, विक्टस 15 है नया, और एक नया ब्रांड न्यू मॉनिटर भी है। आज हम थोड़ा सा समय निकाल के आपको बताएंगे इनके बारे में सब कुछ, तो आप वीडियो के अंत तक टिके रहिए। और अगर आप नए हैं गैजेट सी 16 हिंदी पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस है 159,999 रुपए का भारत में, और एचपी ओमेन ट्रांसेंड 16 गेमिंग लैपटॉप जो है वो आता है एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 4070 सीरीज ग्राफिक कार्ड तक के साथ, और 13 जेन इंटेल कोर i9 3900HX प्रोसेसर तक आपको यहां देखने को मिलता है। इसको भी कहा जा रहा है सबसे थिनेस्ट और लाइटेस्ट लैपटॉप एचपी द्वारा, जो कि मेजर करता है 19.9 मिलीमीटर थिकनेस में और 2.1 किलोग्राम इसका वजन है। ये जो लैपटॉप है सिर्फ एक कलर ऑप्शन में आता है, शेडो ब्लैक। इसके अंदर एक 16 इंच की WQX ये 240 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले है, और रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है 2560x1600 पिक्सल्स। जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट 400 निट्स तक ब्राइटनेस पे जा सकती है, और यहाँ पे एक 7 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। आपको एक फुल साइज्ड बैकलिट कीबोर्ड भी यहाँ देखने को मिलता है। जो ट्रांसेंड 16 है इसके अंदर 1 TB PCI Express जनरेशन 4 NVMe M2 SSD स्टोरेज है, 16 GB की भाई DDR5 यहाँ पे रैम है, काफी सारे अरे ऑफ पोर्ट्स दे रखे हैं, और 2 टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स भी दे रखे हैं, 3 USB टाइप ए पोर्ट्स दे रखे हैं, एक इथरनेट पोर्ट है, फोन और माइक कॉम्बो जैक है, HDMI 2.1 पोर्ट है, और एक AC चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है। जो ओमेन ट्रांसेंड 16 है इसके अंदर एक 97 वॉट आवर की बैटरी है, और अन्य नोटेबल फीचर्स में यहाँ पे एक 1080p वेबकैम दे रखा है, वाईफाई 6 ही है, ब्लूटूथ 5.3 और ड्यूल स्पीकर्स हैं, और ऑडियो दे रखा है वहाँ पे बैंगर ओलुफसन द्वारा। जो लैपटॉप है ये विंडोज 11 होम के साथ प्रीलोडेड आता है। जो HP Omen 16 है उसकी प्राइसिंग शुरू होती है भारत में 104,999 रुपए से, और इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है NVIDIA GeForce RTX 4080 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड तक के साथ, और 13 जेन इंटेल कोर i7 13700 प्रोसेसर तक के साथ। ये जो लैपटॉप है ये सिर्फ एक कलर ऑप्शन में आता है, जो कि है शेडो ब्लैक। इसके अंदर एक 16.1 इंच की फुल HD 165 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले है, और मैक्सिमम ब्राइटनेस जा सकती है यहाँ पे 300 निट्स तक की, और 7 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। इधर जो Omen 16 है इसके अंदर एक फुल साइज्ड बैकलिट कीबोर्ड दे रखा है। जो लैपटॉप है इसके अंदर एक 1 TB का M2 SSD भी दे रखा है भाई स्टोरेज के लिए, और 32 GB तक की DDR5 RAM आपको यहां देखने को मिल सकती है। जो Omen 16 है इसके अंदर एक USB टाइप सी पोर्ट है, 3 USB टाइप ए पोर्ट है, एक इथरनेट पोर्ट है, हेडफोन और माइक कॉम्बो जैक है, HDMI 2.1 पोर्ट है, और एक AC पावर पोर्ट भी दे रखा है। Omen 16 आता है 83 वॉट आवर की बैटरी के साथ। अन्य नोटेबल फीचर्स के मामले में यहां पे एक 1080p वेबकैम है, वाईफाई 6 ही है, ब्लूटूथ 5.3 है, और ड्यूल स्पीकर्स भी दे रखे हैं बैंग और ओलुफसन के ऑडियो के साथ। जो HP Victus 16 है इसकी भारतीय प्राइसिंग है 59,999 रुपए, और ये इक्विप्ड आता है NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU के साथ, और एक Intel Core i5 13500H प्रोसेसर के साथ। ये जो लैपटॉप है ये एक परफॉर्मेंस ब्लू कलर ऑप्शन में आता है, और 16.1 इंच की फुल HD 165 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले है इधर, और 300 निट्स तक की ब्राइटनेस है, और 7 मिलीसेकंड तक का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। जो Victus 16 है इसमें फुल साइज्ड बैकलिट कीबोर्ड दे रखा है। आपको यहां पे एक 512 GB की PCI Express जनरेशन 4 M2 SSD स्टोरेज भी देखने को मिलती है, और 32 GB तक की DDR5 RAM भी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी के मामले में जो लैपटॉप है ये एक USB टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल करता है, 3 USB टाइप ए पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, एक इथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल करता है, हेडफोन और माइक कॉम्बो जैक है इधर, HDMI 2.1 पोर्ट है इधर, SD कार्ड रीडर है, और एक AC पावर पोर्ट भी है। जो HP Victus 16 है इसके अंदर एक 83 वॉट आवर की बैटरी है, और अन्य फीचर्स के मामले में यहाँ पे एक 1080p वेबकैम है, वाईफाई 6 ही है, ब्लूटूथ 5.3 और ड्यूल स्पीकर्स हैं, यहाँ पर बैंग और ओलुफसन का ऑडियो दे रखा है। ये लैपटॉप भी विंडोज 11 होम के साथ प्रीलोडेड आता है। HP ने शोकेस करा HyperX का नया 27 इंच QHD 1440p गेमिंग मॉनिटर, और उसमें 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। ये कस्टमाइजेबल आर्म के साथ आता है, जहाँ पे हाइट और एंगल एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं यूजर की नीड के हिसाब से, और इस मॉनिटर की भारतीय प्राइसिंग 30,990 रुपए होगी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए, हमने आपको दिखाई ये सारे बढ़िया बढ़िया नए नए प्रोडक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।